खाकी वर्दी का रूप दिखा के मोहल्ला वासियों को परेशान करने वाले पंजाब पुलिस के डीएसपी नू देर रात जलंधर रमा मंडी विच शिव मंदिर रेल पुजारी हरीश चंद्र अते इलाके के लोगों ने उसके डंडे नाल ही कुटमा कर दिती। लोगों के भारी हंगामे तो बाद मौके से पहुंची रावा मंडी की पुलिस ने डीएसपी नू निजी हस्पताल पहुंचाया। मनीष कुमार इंस्पेक्टर है मंदिर के सामने, वो डेली आकर के शराब पी करके माँ बहनों की गाली देता है। उसने डेढ़ दो साल पहले भी गाली गलौज दी तो आबारी सोसाइटी के मेम्बरों ने बैठ करके राजीनामा करा दिया लिखित में। फिर उसके बाद में उसने एक साल बाद में फिर गाली गलौज दी और दो फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद में उसने मुझे धमकी दी मारने की, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी। उसके बाद में सत्येंद्र चड्डा साहब और पुलिस इंस्पेक्टर सावरे ने आकर के राजीनामा कराया। गुरुद्वारे में करीबन 100 बंदे इकट्ठे थे। आज वो शराब पी के आया और मेरे गेट के आगे गेट खटखटाने लगा और शराब पी के गाली गलौज देने लगा। बेटा और मैं आए बाहर निकल के, मैंने की बाजी अदा गाली ना दो। उसने गाड़ी में से अपना डंडा निकाला और मेरे सिर के ऊपर मारा और घर के अंदर बढ़ने लगा। जब दूसरा डंडा मारा तो मैंने रोक लिया तो मेरी मिसेज ने पीछे से जो डंडा था उसने उसको चला दिया तो उसके सिर पे लग गई। हमारे मेनू हम तक कोई जानकारी नहीं, पूरी तफ्तीश करने बाद ये जानकारी तुम्हें दी जाऊगी कि असल मामला की। फिलहाल की जांच की कर रहे जी? जांच ये कर रहे हैं जी कि डीएसपी साहब के बयान आने बाद महल तो की तफ्तीश तो बाद फिर हालात सारे दमे